आज के वीडियो में हम जानेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, किन परिस्थितियों में डेंटल इम्प्लांट्स को लगवाना चाहिए, डेंटल इम्प्लांट्स को लगवाने में कितना समय लगता है और डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने के लिए कितना खर्चा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जतिन ककरानी। मैं एक मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूं। मैंने अपने 13 वर्ष के अनुभव में 5000 से ज़्यादा पेशेंट्स को डेंटल इम्प्लांट लगाए हैं। डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। डेंटल इम्प्लांट सबसे आधुनिक और परमानेंट तरीका है दांतों को रिप्लेस करने का। डेंटल इम्प्लांट्स आसान भाषा में एक स्क्रू है जो आपकी हड्डी के अंदर फिट किया जाता है। यह कोई साधारण स्क्रू नहीं होता है, यह स्क्रू जिरकोनियम या टाइटेनियम जैसे मटेरियल का बना होता है जो आपकी हड्डी के साथ 3 से 4 महीने में जुड़ जाता है और इसका बॉडी के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके ऊपर एक कैप लगाया जाता है जो कि आपको चबाने में मदद करता है और आपकी मुस्कान को बेहतर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। एक, जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स हड्डी के अंदर फिट किया जाता है। दूसरा स्टेप, इम्प्लांट के ऊपर अबर्टमेंट लगाया जाता है। अबर्टमेंट के बारे में हम आगे और जानेंगे। तीसरे स्टेप में एक कैप अबर्टमेंट के ऊपर लगाया जाता है जो आपको चबाने में मदद करता है। तो चलिए अब जानते हैं एक दांत निकलवाने के बाद नया दांत लगवाना क्यों जरूरी है और डेंटल इम्प्लांट्स आपको भविष्य में आने वाली डेंटल समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। आप जब एक दांत खोते हैं तो दांत के साथ जुड़ी हुई जड़ भी निकल जाती है और उस एरिया की हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है। इस वजह से आसपास के दांत उस एरिया में मूव करने लगते हैं और आपके सभी दांतों में गैप उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से आपके चेहरे का आकार बदल जाता है और वो गैप्स के कारण कई तरह की गम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि बाद में जॉइंट की समस्याएं और बड़ी बड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं डेंटल इम्प्लांट किन परिस्थितियों में लगाया जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने के पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आप डेंटल केयर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए अब जानते हैं किन स्थितियों में डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है। अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो वहां पर एक डेंटल इम्प्लांट लगाया जा सकता है। अगर आपके कुछ दांत मिसिंग है तो वहां पर भी डेंटल इम्प्लांट अलग अलग जगह पे लगाए जा सकते हैं। अगर आपके सलंग 3 या 4 दांत मिसिंग है, उस परिस्थिति में 2 इम्प्लांट लगा के 3 या 4 यूनिट का ब्रिज उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर आपके सारे दांत खराब हो चुके हैं या निकलवाए जा चुके हैं तो इम्प्लांट की सहायता से आप फिक्स्ड या सेमी फिक्स्ड डेंचर लगवा सकते हैं जो की एक परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन होता है। डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट में आगे बढ़ने के पहले कुछ टेस्ट करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिससे आपके सामान्य स्वास्थ्य के बारे में पता लग सके, और CBCT स्कैन जो कि आपकी हड्डी का एक्सरे होता है जिससे आपकी हड्डी की चौड़ाई पता लगती है और पता लगता है कि डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए वो काफी है। तो चलिए अब जानते हैं डेंटल इम्प्लांट की प्रोसेस और उसमें लगने वाले समय के बारे में। सबसे पहले एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा डेंटल इम्प्लांट को हड्डी के अंदर लगाया जाता है और उसके ऊपर टाके लगाए जाते हैं। टाके 7 से 10 दिन में खोल दिए जाते हैं और डेंटल इम्प्लांट हड्डी के साथ 3 से 4 में जुड़ जाता है। एक बार डेंटल इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ जाए तो उसके ऊपर अबर्टमेंट लगाया जाता है और उसका नाप लेके आर्टिफिशियल टूथ उसके ऊपर लगाया जाता है। यह पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट की प्राइसिंग के बारे में। इंडिया में एक डेंटल इम्प्लांट 12,000 रुपए से शुरू होकर 70-80,000 रुपए तक हो सकता है। डेंटल इम्प्लांट की प्राइसिंग, डेंटल इम्प्लांट के मैन्युफैक्चरर, डेंटल इम्प्लांट करने वाले डॉक्टर के एक्सपीरियंस, क्लिनिक की लोकेशन और सिटी पे निर्भर करता है। इम्प्लांट के ऊपर लगने वाला कैप ज्यादातर क्लिनिक्स में अलग से चार्ज किया जाता है और इसका प्राइस 3,000 से लेके 25,000 रुपए के आसपास होता है। यह इम्प्लांट कैप के मटेरियल और उसकी वारंटी पर निर्भर करता है। इम्प्लांट लगाने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं यह 2,000 से लेके 6,000 के बीच में होते हैं। ज्यादातर क्लिनिक्स में यह चार्ज अलग से लिया जाता है। डेजी डेंटल क्लिनिक में ऑस्टियम नोबल स्ट्रॉमैन जैसे वर्ल्ड क्लास इम्प्लांट अनुभवी इम्प्लांटोलॉजिस्ट द्वारा 19,999 के शुरुआती कीमत में लगाए जाते हैं और बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट क्राउन्स की रेंज 5,000 से चालू होती है। डेजी पर इम्प्लांट करवाने पे आपके सारे टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, जॉ बोन का सीटी स्कैन या कोई भी और प्रकार का खर्चा आपको अलग से नहीं देना होता है, वह आपके इम्प्लांट प्राइसेस में इंक्लूडेड रहता है। डेजी के इम्प्लांट ट्रीटमेंट के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें
और हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर के बारे में जान सकें। अगर आपको डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।